नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आपके माता पिता गुरुदेव भगवान इष्ट सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाऊंगी। धर्मराज जी की कहानी। एक राजा रानी थे, उसकी 7 राजकुमारियां थी। जब राजा रानी अपने 6 राजकुमारियों से पूछते हैं कि भाई तुम किस हिस्से का खाती हो, तो 6 की 6 बोलती है कि भाई पापा जी हम तो आप ही के हिस्से का खाते हैं। लेकिन जो छोटी राजकुमारी थी 7वीं, उससे जब पूछा गया तो वो कहती है कि भाई पापा जी मैं तो मेरे हिस्से का ही खाती हूँ। तो उसके राजा रानी को बहुत गुस्सा आ गया कि भाई तू ऐसा कैसे बोल सकती है, सारा राज्य मैं संभालता हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ है, और तू अपने हिस्से का कैसे खा रही है, मैं सब कुछ लाके देता हूँ तभी तो तू खाती है। तो वो कहती है कि नहीं पापा जी, ये तो धर्मराज जी की माया है। धर्मराज जी सबको अपने कर्म के अनुसार सबको देते हैं और सब उसी की उन्हीं की वजह से अपने अपने हिस्से का खाते हैं। क्योंकि वह छोटी राजकुमारी थी जो रोजाना धर्मराज जी की कहानी सुनती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी, उनके नियमों का पालन करती थी, उसी के बाद वह खाना खाती। तो उसको बार बार राजा रानी ने पूछा कि भाई तू किसके हिस्से का खाती है, अब की जवाब देती भाई पापा जी मैं तो मेरे हिस्से का ही खाती हूँ, सब धर्मराज जी की माया है। राजा रानी ने क्या किया, जो 6 राजकुमारियां थी उनके लिए तो सुंदर सुंदर राजकुमार लेके आए, उनसे उनकी शादियां की। लेकिन जो 7वीं छोटी राजकुमार थी उसके लिए अपने मंत्रियों से कहा कि तुम्हें जो भी रास्ते में कोई भी मिले, लूला पांगला कुछ भी तुम्हें मिले, उसको पकड़ के लेके आना, उसी से इसे राजकुमारी की शादी करेंगे। क्योंकि ये कहती है ना कि भाई धर्मराज जी है, धर्मराज जी की माया है, तो उसी को पकड़ के लाना। उधर धर्मराज जी सोचे कि भाई ये तो गलत है, ये तो अन्याय हो जाएगा उस राजकुमारी के साथ, तो क्यों ना मैं ही है ना एक काले कुत्ते का वेश करके चला जाता हूँ। तो ऐसा कर धर्मराज जी काले कुत्ते का वेश कर चले जाते हैं। तो वो मंत्री उस काले कुत्ते को पकड़ कर ले आते हैं। तो राजा रानी उस 7वीं व छोटी राजकुमारी की शादी उस काले कुत्ते के साथ करके उसे राज्य से निकाल देते हैं। अब वो धर्मराज जी काले कुत्ते का वेश करके आए थे, जो भाई इधर कूदे उधर कूदे आगे भागे। तो राजकुमारी बहुत दूर चलने के बाद कहती है कि भाई मैं तो थक गई, आप तो क्या है कभी इधर जा रहे हो कभी इधर जा रहे हो, मैं आपके पीछे पीछे कितनी देर तक चलूंगी। तो धर्मराज जी कुत्ते के वेश में बोले कि भाई मेरा वेश तो काले कुत्ते का है, तो मेरा तो काम ही है कि भाई इधर कूदना, और तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें तो मैं नियमों का पालन करना पड़ेगा, तुम्हें भी मैं जहाँ जाऊंगा तुम्हें भी मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा। अब भाई पत्नी क्या करे, बेचारी राजकुमारी उनके आगे आगे पीछे पीछे चल दी। आगे गए तो धर्मराज जी थे जो यमलोक में पहुंचे, रानी उनके पीछे पीछे जाती जाती देखी तो वहां तो यमलोक में जाकर तो वहां तो बहुत बड़ा महल था, बहुत सारे दासियां थे, ये नौकर चाकर थे। यह देखकर राजकुमार तो चकित हो गए, भाई ये अपन कहाँ आ गए। तब धर्मराज जी काले कुत्ते का वेश बदल कर अपने असली रूप में आए और उन्होंने कहा कि मैं है ना, तुम रोज धर्मराज जी की मतलब मेरी कहानी सुनती थी, मेरे नियमों का पालन करती थी, तो मैं ही है ना काले कुत्ते का वेश कर तुमसे शादी करने आया था। इधर वो राजकुमारियां उसके माँ बाप राजा रानी बहुत दुखी हो गए, उनका सारा राज्य बाहर चला गया, क्योंकि उन्होंने छोटी अपनी बेटी उस काले कुत्ते से शादी कर दी थी। तो धर्मराज जी ने उनकी जैसी करनी थी वैसे उनको उसका फल दे दिया। इधर वो राजकुमारी और धर्मराज जी बहुत ऐसो आराम से रहने लगे। हे धर्मराज जी महाराज, जैसा आपने उसके माता पिता के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना, जो आपकी कहानी सुने, हुकारा भरे, आपके नियमों का पालन करे, आपकी पूजा पाठ करे, उनको सबको अपना आशीर्वाद देना, उन पर सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो धर्मराज जी महाराज की जय हो।